अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं इवनिंग से। तो मैं बना रही थी शाम के लिए कढ़ी चावल, तो अभी मैं बना रही थी पकोड़े का बैटर। तो ये ले लिया है मैंने बेसन, और पकोड़ों के लिए मैंने चॉपिंग करके भी रखी है प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। मेरे पास नहीं था तो हरा धनिया मैंने नहीं लिया है, तो ये चीज़ें मैंने ली हैं। ये देखें, मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज और हरी मिर्च, बारीक बारीक मैंने कट करके रखी हैं। और थोड़ा सा मैंने सोडा लिया है, और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मैंने ऐड किया है, और लाल मिर्च पाउडर भी, और थोड़ा सा नमक। और इसमें मैंने फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। बैटर मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 2-3 चम्मच और बेसन इसमें ऐड किया है। और फिर उसके बाद में फिर से इसे मैं पानी डालकर फैटने लगी हूँ, ये देखें। और इसमें लम्स नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, मैंने स्मूथ पेस्ट बना लिया है इसका। ज़्यादा पतला भी नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला हो जाता है तो पकोड़े अच्छे से शेप में नहीं आ पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। और ये देखें, मैंने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने 2 बड़े बर्तन लिए हैं, जिसमें कि एक में मैंने छाछ रखा है और एक में बनाना है मुझे बैटर, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी छाछ ली है। और जिसमें मुझे स्मूथ पेस्ट बनाना था, उसमें हल्दी पाउडर, बेसन मैंने मिक्स किया है, मिर्ची पाउडर ये देखें, और मैंने नमक नहीं डाला है अभी। और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, एक बैटर सा बना लिया है बहुत ज़्यादा पतला स्मूथ। और इसको मैंने फिर बाकी सारी छाछ के साथ मिक्स किया है, और ये देखें मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है। इस तरह से क्या होता है कि लम्स वगैरह बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं, और अच्छे से वो मिक्स हो जाता है थोड़ी सी छाछ में या दही में आप अलग से अगर उस बैटर को मिक्स करते हैं तो। ये देखें, और अच्छे से ये मैं इसे देख लूँगी कलर वगैरह, जितना भी मुझे अभी हल्दी डालना है तो मैं यहीं पर ऐड करूँगी, और नमक मैं कढ़ी पकने के बाद में ऐड करती हूँ, जब अच्छे से बॉईल आ जाते हैं कढ़ी के अंदर तब मैं नमक ऐड करती हूँ। तो ये देखें, हल्दी शायद मुझे अभी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी हल्दी इसमें और ऐड की थी। और गैस की हीट को मैंने फुल किया था, और उसके बाद में मैंने इसे कम से कम 20 मिनट तक इसको चलाती रही थी, और ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसे चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो ये छाछ वगैरह जो होती है फट भी जाती है और निकल भी जाती है बाहर, जल्दी से ये बॉईल आ जाता है इसमें और फिर ये ख़राब हो जाती है कढ़ी, अच्छे से नहीं बन पाती है, तो इसे चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इसको चलाते रही थी, खड़ी थी यहीं पर, और आधा घंटे तक मैंने इसको ऐसे ही चलाया है। और फिर अच्छे से बॉईल आने के बाद में मैंने इसको फ्लेम को मीडियम करके, और फिर मैंने चावल वगैरह वॉश करने लगी थी। और ये देखें, ये अच्छे से बॉईल इसमें आ चुका है, और मैंने दूसरे वाले गैस पर उसको रख दिया है, और ये देखें अच्छे से बॉईल आ गया है, कढ़ी ऊपर आने लगी है। तो मैंने फ्लेम इसकी मीडियम कर दी है और इसको उतार लिया है नीचे, और दूसरे वाले गैस पर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। और अब ले लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, और इसमें मैंने जो बैटर बनाया था उसके मैं पकौड़े जल्दी जल्दी बनाने लगी हूँ। और थोड़ा सा सोडा डालने से काफ़ी अच्छे पकोड़े बनकर तैयार होते हैं, फूले फूले से और काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो मैं सोडा ज़रूर ऐड करती हूँ थोड़ा सा, खाने का सोडा हो या फिर बेकिंग पाउडर हो, और ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, हल्का सा ही डालना होता है और काफ़ी अच्छे पकोड़े बन जाते हैं। और ये देखें, पकोड़े मेरे रेडी हो चुके हैं, और इन्हें मैं एक साइड पर रख लूँगी, और जितना भी मस्टर्ड ऑयल पैन में बचा है उसको मैं यूज़ करूँगी तड़का लगाने में। और इतनी देर में मैंने चावल ले लिए हैं, चावल को मुझे भिगोना था कुछ देर के लिए, तो पहले इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, 2 से 3 बार मैं अच्छे से वॉश करती हूँ चावल को, जितना भी इसमें पाउडर वगैरह रहता है वो सभी निकल जाता है बाहर। और उसके बाद में मैं सोक करने के लिए रख देती हूँ चावल को, और पकोड़े मैंने डाल दिए हैं, और अभी भी मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी इसको।
पैन में मुझे एक्स्ट्रा ऑयल लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने ऑयल निकाल लिया है उसमें से। और तड़के के लिए मैंने चॉपिंग करके नहीं रखी थी, मैं भूल गई थी, तो मैं अभी प्याज कट कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखें प्याज मैंने कट करके डाल दिया है और उसको अच्छे से थोड़ी सी फ्राई होगी तभी मुझे और बाकी की चीज़ें जो भी मुझे डालनी थी, जीरा था, हींग था और कश्मीरी लाल मिर्च थी ये सूखी वाली, तो ये सभी मैंने इसमें ऐड करनी थी। मेथी दाना था, मेथी दाने से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाती है कढ़ी के अंदर, फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है उसमें, खाने में भी कढ़ी के अंदर मेथी दाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखें और ये सब चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है और सबसे लास्ट में डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और उसको डालने के फौरन बाद ही मैंने फिर तड़का लगा दिया है। ये देखें और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी कढ़ी, ये देखें, और कलर भी काफ़ी अच्छा आया था और तड़का लगने के बाद में और भी ज़्यादा अच्छा इसका लुक आ गया था। और इतनी देर में मैंने एक साइड पर रख दिए थे चावल बनाने के लिए, ज़ीरा राइस में बना रही थी और चावल को सोक करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो अभी मैंने चावल पकने के लिए रख दिया है। कढ़ी हमारी रेडी हो गई है, हमारी कढ़ी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनकर तैयार हुई थी और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था ज़ीरा राइस के साथ, ये देखें, जो कि एकदम खिले खिले बने थे। और उसके बाद में सीधा ही मैंने नेक्स्ट डे का ब्लॉग बनाया था और उसमें मैं साफ़ कर रही थी गेहूँ, तो अभी मैं सबसे पहले सारा नाश्ता वगैरह करवाने के बाद, बेटे को स्कूल भेजने के बाद और ये सारे काम डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं सबसे लास्ट में बैठी थी गेहूँ साफ़ करने के लिए। इसके बाद में मुझे डस्टिंग करनी थी फिर दोबारा से, क्योंकि जब गेहूँ साफ़ करते हैं तो डस्ट उड़ती है और ज़्यादा, तो डस्टिंग करने के बाद फिर मुझे पोछा वगैरह लगाना था अच्छे से। तो अभी मैंने गेहूँ साफ़ करने लगी हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है गेहूँ साफ़ करने में, बट जब कोई भी काम करने के लिए बैठ जाते हैं तो वो हो ही जाता है, तो मैं अभी गेहूँ साफ़ करने लगी हूँ। देखें गेहूँ मैं साफ़ कर चुकी हूँ, मेरे थोड़े से ही लास्ट बचे हुए हैं और इनको मैं साफ़ कर रही हूँ, और थोड़े से नीचे कुछ गेहूँ निकल जाते हैं छन्नी से तो उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और जो चिड़िया वगैरह होती हैं उनके लिए मैं डाल देती हूँ छत पर। ये देखें काफ़ी सारे गेहूँ निकल गए थे यहाँ पर और एक पेपर में करके अच्छे से इन्हें साफ़ कर लिया था। पहले मैंने गेहूँ अलग निकाल लिया था, डस्ट अलग ही आ गई थी, और एक पेपर में रखने के बाद मैं इसको छत पर रखवा देती हूँ और जितनी भी बाकी डस्ट बचती है उसको मैं आराम से एक साइड पर कर देती हूँ। ये देखें काफ़ी सारी डस्ट निकल गई है, काफ़ी सारा कूड़ा निकला है। अभी भी मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़े से गेहूँ साफ़ कर दूँ, इनमें से निकाल लूँ काफ़ी सारे गेहूँ, और ये देखें 12:30 बज चुके हैं और अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी, पोंछा वगैरह मैंने लगाया था गेहूँ साफ़ करने के बाद, उसके बाद मुझे लगने लगी थी भूख, मैंने नाश्ता नहीं किया था आज। और ये देखिए मैंने कुछ स्टील में बर्तन लिए थे और ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, एक मैंने छोटा सा ये बर्तन लिया था जैसे कोई सब्जी वगैरह अगर हम कट कर रहे हैं तो उसके लिए, और एक ये छन्ना लिया था मैंने जो काफ़ी अच्छा इसका शेप था, काफ़ी अच्छा शेप था, और एक ये छोटी सी मैंने हांडी ली थी, ये देखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये छोटी सी। इसमें मैंने दही फुल्की भी बनाई थी एक दिन और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है ये। और ये देखें इसके बाद में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि मैंने एक शॉप से कुछ सामान ख़रीदा था तो वहाँ से मैंने ये इयररिंग्स लिए थे, ये देखें दो तरह के, एक थोड़े लॉन्ग में थे और एक थोड़े छोटे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे दोनों, तो दोनों ही लिए थे मैंने। आज की आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।